हेलो एवरीवन वेलकम टू द एग्री ऑफिसर चॉइस आज के इस वीडियो में हम सैरीकल्चर टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि रीसेंट आई बी के पेपर में इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस कवर किए गए थे और लास्ट ईयर आर आर बी में भी इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं सैरिकल्चर होता क्या है वॉट इज सैरिकल्चर सैरिकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वाम टू प्रोड्यूस सिल्क ठीक है सैरिकल्चर या फिर सिल्क वार्मिंग या तो अगर हिंदी में बात करें रेशम कीट पालन इसमें क्या होता है सिल्क वार्म जो कि एक इंसेक्ट मोत होता है इसकी लार्वा स्टेज में ये अपने होस्ट प्लांट पर फीडिंग करता है देन कुछ दिन बाद ठीक है आगे से हम डिटेल से पढ़ेंगे तो ये कुछ दिन बाद अपनी नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है फ्यूपर स्टेज में वहाँ पर ये अपने चारों ओर एक टेंस स्ट्रक्चर बनाता है कॉटन बॉल लाइक ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं कोकून कहते हैं और इस कोकून को कुछ दिन बाद हार्वेस्ट कर लिया जाता है देन इस कोकून की प्रोसेसिंग करके मतलब इस कोकून से सिल्क को सेपरेट करके मतलब इसे क्या कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कोकून से सिल्क को सेल्फ सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है इसे रीलिंग कहते हैं और यही क्वेश्चन लास्ट ईयर ए एफ ओ में आया था ठीक है तो इससे प्रोसेसिंग करके हम यहाँ पे सिल्क प्राप्त करते हैं और इस सिल्क का जो यूज़ होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है और जनरली ये सिल्क की साड़ियाँ अलग अलग टाइप के क्लॉथ टाई वगैरह वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है अब देखते हैं सिल्क क्या होता है सिल्क इज़ अ नेचुरल स्ट्रक्चुरल प्रोटीन फाइबर विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मेनली टू प्रोटीन्स देखो सिल्क एक नेचुरल स्ट्रक्चुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है फर्स्ट वन इज़ फाइब्रोइन सेकेंड वन इज़ सैरिसीन यहाँ पर जो होता है फाइब्रोइन एट्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है और सैरिसीन जो है वो ट्वेंटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फाइब्रोइन इज़ अ वाटर इन सोल्यूबल एंड सैरिसीन इज़ अ वाटर सोल्यूबल प्रोटीन जो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता और सैरिसिन जो प्रोटीन होता है ये जल में घुलनशील होता है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आउटर लेयर ऑफ सिल्क इज़ मेड ऑफ सैरिसिन प्रोटीन जो आउटर लेयर होती है सिल्क की वो सैरिसिन प्रोटीन की बनी होती है जो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ट्वेंटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जल में घुलनशील होता है और सिल्क का जो अंदर वाला हिस्सा है वो फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है जो कितना करता है कॉन्ट्रीब्यूट एटी तो देखते हैं हम कहाँ पे दें सेसिन प्रोटीन विच इज़ रफ एंड वाटर सोल्यूबल जो सैरिसिन प्रोटीन होता है सिल्क की आउटर लेयर पर ये एक रफ होता है और वाटर सोल्यबल होता है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सिल्क इज सीक्रेटेड बाय पेयर ऑफ लेबियल ग्रैंड ऑफ लार्वा जो सिल्क है वो लार्वा की लेबियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो कि कितनी होती है एक पेयर होती है लार्वा में नेक्स्ट है सिल्क वाम द सिल्क वाम इज द लार्वा ऑफ मोथ जनरली सिल्क वार्म टर्म इज़ यूज फॉर इट्स लार्वा देखिए जो सिल्क वार्म है एक मोथ है जिसकी स्टेज लार्वा लार्वा स्टेज को हम यहाँ सिल्क वार्म के नाम से जानते हैं ठीक है ठीके? तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्योंकि एक मोथ इंसेक्ट है तो ये किस किंगडम में आता है एनिमिलिया किंगडम में आता है इसका जो फाइलम होता है वो आर्थोपोडा होता है क्लास इंसेक्टा होता है और इसका जो ऑर्डर है किस ऑर्डर में आता है ये लेपिडोप्टोर ऑर्डर में आता है अब इसकी जो क्लास इंसेक्टा है तो इसकी जो मोर्फोलॉजी होगी वो बाकी है जो दूसरे अदर इंसेक्ट उन्हीं के जैसे होगी इसमें भी वन पेयर कंपाउंड आई होती है टू पेयर विंग्स होते हैं वन पेयर एंटीनी होती है और थ्री पेयर लेग्स होते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पे हम सेरिकल्चर से, से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंस्टीट्यूट और प्रोडक्शन का डेटा देखेंगे तो फर्स्ट वन है यहाँ पे सिल्क वाम फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन चाइना अराउंड 3000 थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड मतलब कि सिल्क वाम का सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन किया गया था कहाँ पे किया गया था चाइना में किया गया था 3000 हज़ार से साढ़े तीन हज़ार बी मतलब बिफोर क्राइसिस में ठीक है और इसका डेटा कुछ वेरिएशन है अलग अलग सोर्स में अलग अलग वेरिएशन है तो ये जो थ्री टू तो जो बी सी बी सी वाला डेटा है ये हम स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज़ अ सेचुटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ठीक है एक सेचुटरी बॉडी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम करता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में और इसका जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में मूव करते हैं सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है मैसूर कर्नाटका में है और इसका इस्टैब्लिशमेंट 1961 में किया गया था जो कि पहले और कहीं था और मैसूर जो मैसूर में इसका 1963 में ये मैसूर में शिफ्ट हुआ है ठीक है नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में मूव करते हैं सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है रांची झारखंड में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन में नेक्स्ट मूव करते हैं सेंट्रल मोगा एरिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है जोरहाट असम में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1999 तो नेक्स्ट अब यहाँ पॉइंट में मूव करते हैं इसका राउ का प्रोडक्शन ठीक है तो 2020 में राउ का प्रोडक्शन कितना हुआ था 30.5 पॉइंट फाइव मीट्रिक टन ठीक है अभी इसका जो रिसेंट जो प्रोडक्शन डेटा आएगा हम लास्ट में करंट अफेयर्स में कवर कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं ऑल फोर मेजर आर इन इन इंडिया मलबेरी इज मोस्ट कल्टीवेटेड देखिए इंडिया में हमारे यहाँ चारों टाइप की जो सिल्कव है उनका कल्टिवेशन किया जाता है पर उसमें मोस्टली जो है अराउंड 88 एट टू एटी परसेंट जो है मलबेरी सिल्क का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में ओके okay? अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्क प्रोडक्शन हाँ, तो यहाँ पे टॉप थ्री रा प्रोड्यूशन स्ट्रीट की बात करते हैं हम तो अगर देखा जाए ये ओवरऑल जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले जो टॉप पर है वो कर्नाटका है सेकेंड आंध्र प्रदेश एंड थर्ड वन इज़ आसाम ठीक है आसाम में ये जो है बोडोलैंड जो कि एक वहाँ की आसाम की टेरिटोरियल रीजन है उसको भी इंक्लूड करके अगर आसाम को देखें तो ये थर्ड रैंक पर आता है तो फर्स्ट है कर्नाटका सेकेंड है आंध्र प्रदेश एंड थर्ड है आसाम अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो इंडिया की रैंक सेकेंड है आफ्टर चाइना नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे सिल्क वाम के टाइप्स की जो मोस्टली इंडिया में कल्टिवेटेड होते हैं फर्स्ट वन है मलबेरी सिल्क वाम ये एक मोस्ट कॉमन सिल्क वाम है ठीक है सेकेंड है ट्रॉपिकल टसर सिल्क वाम इसके दो टाइप होते हैं एक ट्रॉपिकल होता है एक टेम्परेट होता है आगे हम पढ़ेंगे थर्ड है एरी सिल्क वाम एंड फोर्थ है मोगा सिल्क वाम तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मलबेरी सिल्क वाम मलबेरी सिल्क वाम को चाइनीज सिल्क वाम के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स मोराई होता है इसकी जो फैमिली होती है वो बॉम्बे सिटी होती है और ये किस ऑर्डर में आता है लेपिडोप्टरा ऑर्डर में आता है इसके होस्ट प्लांट की बात की जाए तो इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो मलबेरी प्लांट होता है इसकी लीव्स पर ही अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है मोरस एल्बा होता है मतलब मलबेरी प्लांट का जो साइंटिफिक बॉटनिकल नेम जो होता है वो मोरस एल्बा होता है और जो मलबेरी सिल्क वाम है ये एक मोनोफेगस सिल्क वाम है मतलब मोनोफेगस इंसेक्ट वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल किसी एक प्लांट स्पीसीज पर ही कंप्लीट करते हैं ओके तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं इसकी रेस्टिंग स्टेज देखते हैं तो इसकी जो रेस्टिंग स्टेज होती है वो एग होती है और नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं इट्स सिल्क इज़ अ बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन सिल्क इन द वर्ल्ड ठीक है मलबेरी सिल्क इंडिया में साथ साथ वर्ल्ड में भी मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है अगर मलबेरी सिल्क वाम का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो वो कर्नाटका है ओके okay? और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल सिल्क प्रोडक्शन में वो एटी टू एटी परसेंट है इंडिया में टोटल सिल्क प्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं दिस सिल्क इज़ सपोज्ड टू बी सुपीरियर इन क्वालिटी टू द अदर टाइप्स ड्यू टू इट्स शाइनिंग एंड क्रीमी वाइट कलर देखिए जो अदर दूसरे सिल्क वाम है, दूसरे सिल्क हैं उससे इसका सिल्क मलबेरी सिल्क ज़्यादा सुपीरियर है क्यों क्योंकि इसमें साइनिंग है इसके साथ साथ जो इसका जो कलर है क्रीमी कलर है इसको अपनी क्वालिटी में अदर सिल्क के कंपेयर में सुपीरियर बनाता है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दिस सिल्क वाम इस टोटली डिपेंडेड ऑन ह्यूम इस सिल्क का कल्टिवेशन वाइल्ड फॉर्म में नहीं किया जा सकता इसलिए 100% परसेंट जो इंडिया में इसका जो कल्टीवेशन है वो ह्यूमंस के द्वारा ही किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सिल्क है ये टोटली डिपेंडेंट है ह्यूमंस पर अब नेक्स्ट यहाँ पे टसर सिल्क की बात करते हैं तो टसर सिल्क की दो टाइप्स हैं ठीक है टसर सिल्क के दो टाइप्स हैं एक ट्रॉपिकल जो कि मोस्ट कॉमन है इंडिया में और लास्ट ईयर आई बी के पेपर में इसी से एक क्वेश्चन आया था इसके साइंटिफिक नेम से तो जो ट्रॉपिकल टसर सिल्क वाम का साइंटिफिक नेम होता है वो एंथ्रिया माइलिटा होता है और जो टेम्परेट सिल्क वाम है टसर सिल्क वाम है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एंथ्रिया प्रोसेली होता है इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली होती है वो सेटोनिडी होती है ऑर्डर किस में आता है लैपिडोप्टरा में आता है इसके होस्ट प्लांट जो हैं ये एक पॉलीफेगस मोथ है ठीक है तो इसके अलग अलग प्लांट पर अपना ये लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है तो इसके जो होस्ट प्लांट है वो बेर है अर्जुन है साल है ओके और इसके जो सिल्क का कलर होता है वो कॉपरी कलर होता है और नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें तो इसे कोसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है इसे याद रख सकते हैं आप ठीक है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड एट परसेंट ऑफ टोटल सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया ये टोटल आठ परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन का कौन सा टसर सिल्क और अब यहाँ थर्ड सिल्क बॉम की बात करेंगे तीसरा ईबी सिल्क बॉम जिसका साइंटिफिक नेम होता है अटकस रिसिनी अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो इसकी जो फैमिली होती है वो सेटोनिडी होती है अगर होस्ट प्लांट की बात इसका भी जो ऑर्डर है लेपिडोपटेरा है और होस्ट प्लांट की बात की जाए तो कैस्टर लीव्स हैं इसका जो बॉटनिकल नेम होता है रिसिनस कम्युनिस होता है इट्स कलर इज़ ऑल्सो क्रीमी वाइट लाइक मलबेरी सिल्क बट इट्स इट इज़ लेस शाइनिंग देन द लेटर मतलब कि ये भी मलबेरी सिल्क जैसा ही क्रीमी वाइट होता है बट इसमें साइनिंग कम होती है एज कंपेयर टू मलबेरी सिल्क वो इट्स नोन एस इट इज नोन एज आरएनडी सिल्क अहिंसा सिल्क नॉन वायलेंट सिल्क और पीस सिल्क देखिए आरएनडी जो इसका जो होस्ट प्लांट है कै, आ, कैस्टर कैस्टर के जो ऑयल को कहते हैं आरएनडी का ऑयल भी कहते हैं या इसे आरएनडी भी कहते हैं इस कारण इसे अरंडी सिल्क भी कहा जाता है ठीक है और अहिंसा और बात की जाए अहिंसा सिल्क नॉन वायलेंट सिल्क और पीस सिल्क तो इसका जो कुकून होता है कुकून के अंदर जो पीपा होता है वो ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रोसेसिंग करने से पहले ही इसकी जो प्रोसेसिंग होने से पहले ही वो कुकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है जिससे इसकी प्रोसेसिंग करते टाइम इसको प्यूपा को मारना नहीं पड़ता इस कारण इसे अहिंसा सिल्क या नॉन वायलेंट सिल्क या फिर पीस सिल्क कहते हैं और ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए इंडिया में टोटल सिल्क प्रोडक्शन में तो ये अराउंड त्वे, वन ट्वेल्व परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है अब यहाँ देखते हैं फोर्थ मूगा सिल्क एंथ्रिका थ्री ठीक है इसकी जो फैमिली है वो सेटोनिडी है और इसका जो ऑर्डर भी है लपे है अगर इसके जो एरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये आसाम में कल्टीवेट होता है लार्जेस्ट एरिया इन आसाम होस्ट प्लांट की बात की जाए तो इसमें सोम सोआला ये इनके होस्ट प्लांट है और ये भी एक पॉलीफेगस मौत है अगर इसके सिल्क कलर की बात की जाए तो इसका जो सिल्क कलर है वो गोल्डन येलो है और इसकी रेस्टिंग स्टेज की बात की जाए तो इसकी जो रेस्टिंग स्टेज होती है वो प्यपर स्टेज होती है और सबसे कम जो सिल्क में सिल्क प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो मूगा सिल्क ही करता है अराउंड वन से टू परसेंट टोटल सिल्क प्रोडक्शन में इसके अलावा भी कुछ वाइल्ड सिल्क वाम है ठीक है जिनके बारे में हम देखेंगे तो उसमें एक मोस्ट पॉपुलर है जाइंट सिल्क मोथ इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो अटैकस एटलस होता है जो कि फैगैरो सिल्क प्रोड्यूस करता है और ये एक मोत स्पीसीज़ का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मोत स्पीसी का सबसे बड़ा इंसेक्ट है और इसका जो विंग स्पैन और जो विंग सरफेस है ये भी सबसे ला ज़्यादा लार्जेस्ट होता है अगर इसकी विंग स्पैन की बात की जाए अराउंड 25 फाइव तो टू थर्टी सेंटीमीटर इसका विंग स्पैन होता है तो आप इसे रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट हम चार्ट में मूव करते हैं इसमें चारों जो सिल्कवम है चारों सिल्काम है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स है इनका टाइप टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट होस्ट प्लांट सिल्क कलर एंड सीक्रेटेड बाय मतलब किस सिल्क वॉर्म से सीक्रेट होता है उसके बारे में डिटेल है तो इसे देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ मलबेरी सिल्क है तो जो मलबेरी सिल्क है इसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है कर्नाटका है होस्ट प्लांट इसका मलबेरी लीव्स है अगर सिल्क कलर की बात की जाए तो क्रीमी वाइट विथ साइनिंग और सीक्रेटेड बाय बॉम्बे मोराई और नेक्स्ट सिल्क है टासर सिल्क जिसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है झारखंड होस्ट प्लांट है अर्जुन आशान साल पीर और सिल्क कलर जो होता है इसका कॉपरी कलर होता है और किसके द्वारा किस सिल्क वॉम के द्वारा सीक्रेट होता है ये तो एंथ्रिया माइलेटा ईरी सिल्क वॉम नेक्स्ट सिल्क वॉम की बात करते हैं नेक्स्ट सिल्क की बात करते हैं ईरी सिल्क तो जिसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आसाम होस्ट प्लांट है कैस्टर लीव्स और इसके जो सिल्क कलर होता है मलबेरी सिल्क के जैसा ही कलर होता है वो क्रीमी वाइट बट इसमें साइनिंग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मलबेरी सिल्क और सीक्रेट किसके बाद द्वारा होता है अटैकस रिसीन नेक्स्ट सिल्क है मूगा सिल्क जिसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम है मूगा और ईरी दोनों का ही टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम है और इसका होस्ट प्लांट की बात की जाए तो इसका सोम चंपा मोयन ये इसके होस्ट प्लांट है और इसके सिल्क की बात की जाए तो कलर की बात की जाए तो इसका जो सिल्क का कलर होता है गोल्डन येलो होता है और ये जो किस सिल्क से होता है तो एंथ्रिका एसेमेंसिस से सीक्रेट होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मलबेरी सिल्क के लाइफ साइकिल की तो मलबेरी सिल्क का जो लाइफ साइकिल होता है वो चार स्टेज में कंप्लीट होता है और इस साइकिल को कंप्लीट होने में टोटल सिक्स टू एट वीक्स का समय लगता है अगर डेज में काउंट करें तो अराउंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव डेज ठीक है तो इसकी जो पहली स्टेज होती है वो एग स्टेज होती है जो कि सेवन टू टेन डेज़ की होती है देन इसके बाद ये लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होता है और इसकी जो लार्वा स्टेज होती है वो 25 टू 30 डेज़ की होती है और मलबेरी सिल्क वाम की जो ओनली स्टेज होती है लार्वा स्टेज ये फीडिंग स्टेज होती है अगर क्वेश्चंस आता है कि कौन सी स्टेज मलबेरी सिल्क वाम की फीडिंग स्टेज होती है तो वो लार्वा स्टेज होती है और मलबे मलबेरी सिल्क वाम में फ़ाइव इंस्टार फाइव लार्वा इंस्टार होता है मतलब इसका जो लारवा होता है वो अपनी ग्रोथ पांच स्टेज में पूरी करता है मतलब इसमें चार मोल्टिंग होती है और इसका जो फाइनल फिफ्थ लार्वल इंस्टार है वो नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है मतलब कि जो इसका जो फिफ्थ लार्वल इंस्टार है वो नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है वहाँ पर ये अपने चारों ओर सिल थ्रेड के थ्रू स्पिनिंग मतलब अपनी हेड मूवमेंट के थ्रू अपने चारों ओर सिल्क थ्रेड से कॉटन बॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जैसे कुकून कहते हैं देन यहाँ पर ये जो फिफ्थ लार्वल इंस्टार है ठीक है ये किस में कन्वर्ट होता है प्यूपा में कन्वर्ट होता है और इसकी जो स्टेज होती है प्यूपा स्टेज होती है आठ से दस दिन की होती है देन इसके बाद ये जो प्यूपा है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एडल्ट की कितनी होती है इसके जो पीरियड होता है फ़ाइव टू सिक्स डेज़ का होता है तो चलिए आगे देखते हैं मलबेरी सिल्क वाम कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन सिक्स टू एट वीक्स तो मलबेरी सिल्क वाम जो अपना लाइफ साइकिल है वो छः से आठ वीक में कम्प्लीट करता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फीमेल अट्रैक्ट मेल विद द हेल्प ऑफ सेक्स फेराम बॉम्बिकॉल फॉर मेटिंग यहाँ पर जो फीमेल होती है वो मीटिंग के लिए मेल से मीटिंग के लिए सेक्स फेराम का यूज़ करती है कौन से बॉम्बिकॉल मीटिंग के लिए ओके okay? नेक्स्ट यहाँ पॉइंट की बात करते हैं फीमेल लेस एग इन द लोअर सरपेज ऑफ लीव जो फीमेल है वो मलबेरी की लीव्स पर के लोअर सरफेस पर एग ले करती है कितने लेग करती है 300 टू 400 इन अ सिंगल टाइम ओके नेक्स्ट पॉइंट पर पाते हैं आफ्टर लेंग एग फीमेल मोथ हैज डाइड मतलब एग ले करने के बाद जो फीमेल होती है वो मर जाती है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आफ्टर सेवन टू टेन डेज लार्वा राइस फ्रॉम एग सात से दस दिन के बाद एग से लार्वा निकलता है और नेक्स्ट है मलबेरी सिल्क लार्वा हैज़ फाइव लार्वा इंस्टार मीन्स फोर मोल्टिंग इन द मलवेरी सिल्कवम लार्वा यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है तो फाइव लार्वन इंस्टार का जो मतलब होता है कि जो इसका लार्वा है मलबेरी सिल्कवॉम का ये अपनी जो ग्रोथ है वो पांच स्टेज में पूरी करता है मतलब कि हर एक स्टेज के बाद ये मोल्टिंग करता है तो इसमें ऐसी टोटल चार मोल्टिंग होती है और जो इसकी जो फिफ्थ लार्वल इंस्टार मतलब कि जो फिफ्थ स्टेज होती है लार्वा की वो आगे चल कर किस में बनती है प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होती है तो फिफ्थ लार्वल इंस्टार सीक्रेटेड सिल्क थ्रेड एंड मेक कोकून तो जो इसका जो फिफ्थ लार्वल इंस्टार वाली जो स्टेज है ये अपने चारों ओर सिल्क थ्रेड के थ्रू कोकून बनाती है ठीक है अंडर दिस कुकून मतलब कि इस कुकून के अंदर जो फिफ्थ लार्वल इंस्टार है वो किस में कन्वर्ट होता है प्यूपा में कन्वर्ट होता है और नेक्स्ट पॉइंट है जो बाद में चल के प्यूपा किस में कन्वर्ट होता है एडल्ट मोथ में अभी हम यहाँ पर जो इसके लाइफ साइकिल के जो चार स्टेज है उन्हें सिंगल सिंगल देखते हैं तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है एग स्टेज होती है ठीक है एंड एग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म ठीक है नेक्स्ट पॉइंट द एग इज लेड बाय फीमेल मोथ विच इज मोस्टली द साइज ऑफ स्मॉल डॉ जो इसका एग होता है वो स्मॉल डॉट के समान ही दिखाई देता है नेक्स्ट पॉइंट अ फीमेल मौत लेस मोर देन 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एग्स एट अ टाइम जो फीमेल मौत होती है वो एक टाइम पर 300 से 400 सौ एग्स देती है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इन द स्प्रिंग टाइम द एग्स हैच ट्यू टू दॉर्थ इन द एयर इन अराउंड 25 फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो स्प्रिंग टाइम में स्प्रिंग के टाइम पर जो एग होते हैं वो हैच होते हैं बाहर एटमोसफियर की गर्मी के कारण लगभग ये जो टेम्परेचर होता है 25 फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसमें ये हैच होके अपनी नेक्स्ट स्टेज लार्वा स्टेज में जाते हैं तो देखते हैं लार्वा स्टेज नेक्स्ट हेरी सिल्क वाम अराइज आफ्टर द एग क्रैक मतलब कि एग के क्रैक होने के बाद एक हेरी सिल्क वार्म अराइज़ होता है ठीक है जो जिसे हम लार्वा कहते हैं ओनली दिस स्टेज ऑफ सिल्क वाम इज अ फीडिंग स्टेज यहाँ पे हम ये चीज़ याद रख सकते हैं कि इसकी जो ओनली फीडिंग स्टेज होती है लार्वा स्टेज होती है नेक्स्ट पॉइंट दे फीड ऑन मलबेरी लीवस एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मलबेरी लीवस फॉर अराउंड थर्टी डेज बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज मतलब अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज तक ये लारवा स्टेज में फीड करते हैं कौन मलबेरी सिल्क फॉर्म नेक्स्ट स्टेज है इसकी प्यपा या कुकुन द प्यूपा स्टेज इज़ अ मोशन लेस स्टेज जिसकी जो प्यपा की जो स्टेज होती है ये मोशन लेस स्टेज होती है इसमें ये मूव नहीं करते इन दिस स्टेज सिल्क वाम स्पिनिंग प्रोटेक्टिव कुकून अराउंड इट सेल्फ इस स्टेज में मतलब युवा स्टेज में जो सिल्क वाम है अपने चारोर स्पिनिंग मतलब हैड मूवमेंट के थ्रू अपने चारोर सिल्क थ्रेड का एक कोकून बनाता है मतलब कि काटन बॉल का एक स्ट्रक्चर कोकून बनाता है नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ द साइज ऑफ स्मॉल कॉटन बॉल एंड इट इज मेड ऑफ सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क ये जो कोकून होता है ये एक स्मॉल कॉटन बॉल के जैसा होता है और एक सिंगल थ्रेड से मिल बना होता है नेक्स्ट पॉइंट द कोकून इज मेड ऑफ थ्रेड ऑफ़ रॉ सिल्क फ्रॉम 900 टू 1500 मीटर लॉन्ग जो कोकून होता है जो सिंगल थ्रेड से मिलकर बना होता है इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 900 हंड्रेड टू फिफ्टीन मीटर होती है अराउंड वन किलोमीटर टू वन किलोमीटर लंबी होती है सोच सकते हैं आप कितना लंबा होता होगा तो अगले पॉइंट पे चलते हैं द फाइबर आर फाइबर्स आर वेरी फ़ाइन एंड लस्ट्रियस अबाउट टेन माइक्रोमीटर इन डायमीटर जो इसका जो फाइबर होता है वेरी फाइन मतलब बहुत ही फाइन होता है और बहुत ही चमकीला होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो टेन माइक्रॉन होता है और नेक्स्ट पॉइंट में दे चाहते हैं अराउंड सिक्स हंड्रेड कोकोन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन के जी सिल्क मतलब एक के जी सिल्क बनाने के लिए हमें छः हज़ार कूकोन्स की ज़रूरत होती है प्यूपा के बाद इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है एडल्ट स्टेज इन दिस स्टेज द प्यूपा चेंजेस इन टू एडल्ट मोथ ठीक है अब यहाँ पर हम मलबेरी सिल्क के कोकून की बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कुकून इज द वाइट कलर्ड बैड ऑफ प्यूपा कोकून जो होता है एक वाइट कलर का बैड होता है प्यूपा के लिए द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल यार्न आउट ऑफ डिसकंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ द कोकून इज नोन एज स्पिनिंग तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है मतलब कि जो कुकून बनने की जो प्रोसेस होती है एक सिंगल फिलामेंट से सिंगल फिलामेंट से इसको स्पिनिंग कहते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं आफ्टर फाइव टू सिक्स डेज ऑफ स्पिनिंग कोकूंस आर हार्वेस्टेड मतलब पाँच से छः दिन की स्पिनिंग के बाद कोकूंस को हार्वेस्ट कर लिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं द लेंथ ऑफ कंटिन्यूस थ्रेड सीक्रेटेड क्रिएटेड बाई अ प्यूपा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकूंस इज अबाउट 900 हंड्रेड 1500 फिफ्टीन हंड्रेड मीटर्स विच रिक्वायर थ्री डेज टू कंप्लीट जो ये कुकून होता है ठीक है एक सिंगल थ्रेड से मिलके बना होता है जिसकी लंबाई होती है 900 से 15 मीटर जिसे बनाने में तीन दिन का समय लगता है ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं द थ्रेड इज वाउंड अराउंड द कोकून इन कंसेंट्रिक मैनर ओके नेक्स्ट है द बाइंडिंग ऑफ थ्रेड्स राउंड द कोकून इज अचीव बाय द कांस्टेंट राउंड मोशन ऑफ द हेड ऑफ प्यूपा फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड एट द रेट ऑफ 65 टाइम्स पर मिनट यहाँ पर जो प्यूपा होता है जब कुकून बनाता है तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है थ्रेड का जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें वो अपना हेड मूवमेंट करता है तो उस हेड मूवमेंट की जो इसकी जो स्पीड होती है जो इसका रेट होता है वो 65 फाइव टाइम पर मिनट होता है मतलब कि एक मिनट में वो पैंसठ बार अपना जो हेड के मूवमेंट को हो एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करता है ओके okay? अब आगे देखते हैं द वेट ऑफ वन कोकून इज़ अबाउट 1.8 पॉइंट टू टू ग्राम एंड द वेट ऑफ द कोकून सेल ओनली इज़ 0.45 ग्राम तो यहाँ पे जो कोकून जिसके अंदर प्यूपा भी होता है तो उसका जो वेट होता है 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम होता है अगर इससे प्यूपा को निकाल दिया जाता है तब इसका जो वेट होता है 0.45 ग्राम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं द प्यूपा स्टेज लास्ट फॉर 8 टू 10 डेज एंड द प्यूपा कट द कोकून एंड इमर्ज इन टू एडल्ट ठीक है प्यूपा स्टेज कितने की होती है कितने टाइम की होती है आठ से दस दिन की होती है और इसमें क्या करता है प्यूपा कट करता है कोकून को और एज अ एडल्ट वो एडल्ट मोड बाहर निकलता है अब इसके बाद कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखते हैं स्टिफलिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इनसाइड द कोकून विद द हेल्प ऑफ बॉइल्ड वाटर स्टिफलिंग प्रोसेस क्या होती है जब हम कोकून की प्रोसेस करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं फैक्ट्री में तो उसके अंदर जो लिविंग प्यूपा होता है उसे बॉइल्ड वाटर में डुबाकर मार दिया जाता है देन इसके बाद कोकून को और प्यूपा को अलग कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को स्टिफलिंग कहते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है रीलिंग जो कि रिसेंट आई बी के पेपर में से क्वेश्चन आया था तो क्या होती है मतलब कि सिल्क को प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सिल्क फ्रॉम अ कोकून मतलब कि कोकून से सिल्क को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे रीलिंग कहते हैं नेक्स्ट है डी गमिंग देखिए डी गमिंग की हम यहाँ बात करते हैं क्या है रिमूवल ऑफ आउटर प्रोटीन सेरिसीन फ्रॉम सिल्क इट इज़ डन बाय बॉयलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है प्रोटीन दो जो सिल्क होता है दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है फैब्रोइन और सैरिसीन तो सैरिसीन जो होता है आउटर प्रोटीन होता है जो कि वाटर सॉलिबल होता है जब सिल्क को वा बॉयल वाटर में डुबाया जाता है तो ये जो आउटर प्रोटीन होता है ये अलग हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डीगमिंग कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं डीगमिंग मेक सिल्क सॉफ्ट एंड लाइट तो डीगमिंग करने से क्या होता है सिल्क जो होता है सॉफ्ट हो जाता है और लाइट हो जाता है यहाँ पे अब हम नेक्स्ट सिल्क वॉम की डिसीज़ देखेंगे तो पहले इसकी जो डिसीज़ है पेब्राइन जो कि पहले प्रोटोजोन कंसीडर की जाती थी बट अब इसे फंगल डिसीज़ कंसीडर किया जाता है तो देखते हैं पेब्राइन इज़ द मोस्ट सीरियस डिसीज़ ऑफ मूगा सिल्क वाम कॉस बॉय नोसेमा स्पीसीज ठीक है ये किससे होती है नोसेमा स्पेसीज से होती है और ये किसकी है मूगा सिल्क वाम की सीरियस डिसीज़ है इसके ऑक्यूरेंस की बात करें तो ये नॉन सीजनल होती है बट इसका जो इफेक्ट है दो जनरेशन में दिखाई देता है फर्स्ट जनरेशन में इन्फेक्टेड होते हैं एंड सेकेंड जनरेशन में इसके सिम्टम्स शो so होते हैं तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो इररेगुलर हैचरिंग हैचिंग ऑफ सिल्क वाम्स एग एंड सेकेंड है इरेगुलर साइज़ ऑफ द लार्वा बॉडी एंड मोल्टिंग आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि जो लार्वा है इनका साइज भी अलग अलग है छोटा बड़ा है ओके okay? थर्ड है ब्लैक पीपर लाइक स्पॉट स्पॉट अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड वाम्स तो यहाँ पे क्या होता है जो इन्फेक्टेड वाम्स होते हैं इन्फेक्टेड लार्वा जो होते हैं उनके ऊपर काले काले ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं ओके नेक्स्ट डिसीज़ में आते हैं फ्लैचरी डिसीज़ जो कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कॉम्बिनेशन से भी होती है और सेपरेटली भी ये डिसीज़ कॉज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे दो वायरस मेनली कॉज करते हैं और इसके अलावा कुछ चार से पांच बैक्टीरिया हैं वो भी इस डिसीज़ को सेपरेटली कॉज करते हैं ओके okay, तो देखते हैं फर्स्ट वायरस है फ्लैचरी वायरस इन्फेक्सियस फ्लैचरी वायरस न्यूक्लियोसिस वायरस या फिर इसके अलावा अगर बैक्टीरिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पिस इस्टेफाइलोकोकस स्पीसीज बेसिलस्थियोरजेंसिस सेरेशिया बारसिसेंस ये जो बैक्टीरिया और वायरस है ये सेपरेटली भी अपनी मतलब इस डिसीज़ को कॉज करते हैं या फिर इनके कॉम्बिनेशन से भी ये डिसीज़ होती है ऑक्रेंस की बात करें तो द डिसीज़ इज़ कॉमन ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन तो समर और रेनी सीजन में ये डिसीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है नेक्स्ट डिसीज़ है डाइन जो कि एक फंगल डिसीज़ है और ये दो टाइप के फंगस से कॉज होती है पहला है वाइट मस्कर डाइन जो कि मोस्ट कॉमन है और ये किसके किस फंगस किस से होती है विवेरिया बसियाना फंगस से ठीक है और जो दूसरी है ग्रीन मस्कर डाइन ये किसके कारण होती है मेटेरेजियम एनिलोसोपली फंगी के कारण ओके अगर इस डिसीज़ के ऑक्रेंस की बात करें तो ये डिसीज़ भी रेनी और विंटर सीजन में देखी जाती है और इसका सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो सिम्टम्स है पहला सिम्टम द लार्वा लूज एपेटाइट एंड बिकम्स इनएक्टिव सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ मॉइस स्पीक्स ऑन द स्किन देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं इसकी जो स्किन है थोड़ी मॉइस दिख रही है ओके okay. नेक्स्ट है द लार्वा वोमिट्स एंड टर्न फ्लैसिड ये जो इसका जो लार्वा होता है वो वोमिट करता है और फ्लैसिड हो जाता है मतलब कि नरम पड़ जाता है ओके okay. तो इसके अलावा नेक्स्ट डिशीज़ में हम आते हैं ग्लेसेरिया जो कि एक वायरल डिसीज़ है किसके कारण होती है ये होती है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस के कारण न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस के कारण और इसके ऑक्यूरेंस की बात करें तो ये भी मोस्टली समर और रेनी सीजन में ही देखी जाती है अब यहाँ पर हम सिल्क वाम के कुछ पेस्ट देखते हैं मेनली दो ही इसके जो पेस्ट हैं उजी फ्लाई एक्जोरिस्टा बॉम्बेसिस और दूसरा है डरमेस्टिस बीटल इसका जो साइंटिफिक नेम है डरमेस्टिस अटार है ओके तो ये ही इसके दो मेनली इंसेक्ट पेस्ट uh, है ओके okay? तो इसके अलावा हम नेक्स्ट आते हैं वॉल्टनिज्म वॉल्टनिज्म होता क्या है वॉल्टेनिज्म इज द इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन आ ईयर ठीक है वॉल्टनिज्म क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है कि वो अपने ईयर में मतलब कि किसी सिंगल ईयर में कितनी जनरेशन कंप्लीट कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल ईयर में कितनी जनरेशन अपनी कंप्लीट कर रहा है तो इस टर्मिनोलॉजी को इस इंडिकेशन को मतलब इस जो प्रोसेस को वॉल्टेनिज़्म कहते हैं ठीक है जनरली ये किसके साथ यूज़ होता है सैरिकल्चर के साथ इसे यूज़ किया जाता है तो ये कितने टाइप का होता है मेनली चार टाइप का होता है यूनी वोल्टेलाइन बाय वॉल्टेलाइन मल्टी वॉल्टाइन और सेमी वॉल्टाइन ठीक है तो जो यूनी वॉल्टाइन होता है ये एक जनरेशन कम्प्लीट करता है एक साल में बाय वॉल्टाइन जो होता है वो दो जनरेशन कंप्लीट करता है एक साल में और मल्टी वोल्टाइन जो होता है ये मोर देन टू जनरेशन मतलब कि दो से ज़्यादा जनरेशन दो से चार पाँच जनरेशन एक साल में कंप्लीट करता है और जो फोर्थ है सेमी वोल्टाइन ये एक जनरेशन करता है कई सालों में मतलब कि बहुत सारे दो तीन चार पाँच साल में ये अपना जनरेशन कंप्लीट करता है इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो सिल्क होते हैं अलग अलग टाइप के इनका वॉल्टनिस देते हैं इसमें किस टाइप का वॉल्टनज पाया जाता है तो देखते हैं मलबेरी सिल्क मौत जो होता है उसमें तीनों ही टाइप का यूनी बाई और मल्टी वोटाइन होता है ट्रॉपिकल टसर सिल्क की बात करें तो इसमें भी यू यूनी वोटाइन होता है ये बाई वोल्टाइन भी होता है और मल्टी वोल्टाइन भी होता है ठीक है पर यहाँ पर टेम्परेट टसर सिल्क की बात की जाए तो जो कि ऑनली बाई वोल्टाइन होता है ओके मूगा सिल्क मौत जो होता है वो मल्टी वोल्टाइन होता है और इरी सिल्क मौत जो होता है ये भी मल्टी वोल्टाइन होता है ओके